गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 21 मन की एकाग्रता पढ़ेंगे। मन किस प्रकार एकाग्र होना चाहिए, यह हर व्यक्ति की समस्या है और सदा से बनी हुई है। आज प्रौद्योगिकी का समय है और इसमें प्रगति की सीमाहीन संभावनाएं हैं। ऐसे में जब वह अध्ययन करने के लिए बैठता है तो अनेक चिंताएं मन की एकाग्रता में बाधा बनती हैं। मन एकाग्र करना चाहता है पर मनोरंजन के साधन उसके लक्ष्य में रुकावट बन जाते हैं। इस कारण बार बार हताशा का शिकार होना पड़ता है। तब उसे यह ठीक लगता है कि चंचल मन को एकाग्र करना उसी तरह कठिन है जिस प्रकार वायु की गति को रोकना दुष्कर है। मन एकाग्र करने वाले छात्र की दो समस्याएं हैं। पहली, मन का भोगों की ओर भागना और दूसरी, पढ़ने में एकाग्रचित न होना। वह बाहरी परिस्थितियों से किसी तरह स्वयं को बचा लेता है पर भीतरी मन का चक्र उसे अनेक कामनाओं में भटका देता है। प्राणायाम आदि से कुछ समय के लिए मन पर नियंत्रण हो भी जाता है पर हमेशा नहीं रहता। गीता में इसका उपाय अवश्य लिखा है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर व चंचल नहीं है। स्थिर प्रज्ञता इंद्रिय और मन संयमित बुद्धि का नाम है। इंद्रियों को भोगों से दूर रख कर स्थित प्रज्ञ रहा जा सकता है। कामनाओं को नष्ट कर मन को इंद्रियों से दूर रखा जा सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति बिना वस्तुओं के संतुष्ट हो। गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के लिए अन्य वस्तुओं की इच्छा नहीं रखना चाहिए। जब तक वह उसकी एक भी वृत्ति बाहरी होगी तब तक वह मन से पराधीन रहेगा। हठ योग में मन भागों को दूर करके भी नहीं हटता, अवसर पाते ही पुनः उस ओर भागने लगता है। इसी तरह बलपूर्वक हटाई गई इंद्रियां विषय चिंतन रूपी जल से फिर हरी हो जाती है। अतः प्राणायाम आदि उपाय क्षणिक हैं। मन की जो उत्तेजना है उसके दो कारण होते हैं, बाहरी विषयों से और भीतरी वासनाओं की याद से। जब तक वासना यानी इच्छा है तब तक विषय से मन दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में गीता में दिए गए उपाय का अनुसरण किया जा सकता है। यह उपाय है, मन को किसी परम लक्ष्य के लिए लगाया जाए, जैसे राष्ट्रभक्ति में, दीनों की सेवा में। ऐसा करने से मन में व्याप्त विषयों की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। छात्रों के लिए अध्ययन परम लक्ष्य बन जाएगा। गीता में परम का अर्थ परमात्मा कहा गया है। मन की इच्छाओं को मिटाने का सूत्र गीता में है। उसके अनुसार सब विश्व जो है वो ईश्वर है, अतः सबके प्रति सेवा भाव रखो। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या इंद्रियों को भोगों से दूर करने पर मानसिक कुंठाओं का उदय नहीं होगा। गीता में इसका उत्तर तार्किक है। इसमें कहा गया है कि जीवन के लिए इंद्रियों का सेवन आवश्यक है पर यह आसक्ति व द्वेष भाव से नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे जीवन जीने में अनेक बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। अनियंत्रित इच्छाओं से समाज में अनाचार फैलता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों में विषयों का सेवन तो किया जाए पर विवेकशील होकर किया जाए, उन पर नियंत्रण रहे पर अनिवार्य विषयों में वे प्रवृत्त भी रहें।